जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव देश भर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। अब प्रदेश कांग्रेस ने सीएम मोहन यादव की चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस ने कहा है, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव चुनावी सभाओं में कांग्रेस के लिए आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग कर रहे हैं और भगवान राम के नाम पर जगह जगह वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस ने सीएम मोहन यादव के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत की है। कांग्रेस का कहना है कि सीएम मोहन यादव ने हरियाणा में चुनावी रैली के दौरान धर्म के नाम पर वोट मांगे हैं, ऐसे में उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगा देनी चाहिए। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा, जिसमें कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने 15 मई को हरियाणा के गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के रेवाड़ी जिले के कौसली कस्बा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार किया और सभा में अपने भाषण में उन्होंने खुलकर धर्म का दुरुपयोग किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सीएम मोहन यादव ने भगवान राम के नाम पर लोगों से वोट मांगे और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस पार्टी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि राम मंदिर बनने पर खुशी तो जाहिर की, लेकिन उनकी छाती पर सांप लौट रहे थे। जब मंदिर बन गया तो कहने लगे, हमारे राम तुम्हारे राम, आओ बेटा, लेकिन तुमने तो हरामीपन किया है, अब जनता तुम्हारा हिसाब करेगी और कांग्रेस को वोट नहीं देगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा चुनाव आयोग से निवेदन किया कि एमपी के सीएम मोहन यादव द्वारा लोकसभा चुनाव के प्रचार में भगवान राम का गलत इस्तेमाल किया है और धर्म का भी गलत इस्तेमाल किया है और कांग्रेस पार्टी के प्रति मतदाताओं में नफरत फैलाने के उद्देश्य से जहरीला भाषण दिया है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हरामी जैसे शब्द का प्रयोग करते हुए गालियाँ दी हैं, जो सरासर आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। इसलिए उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और साथ ही सीएम मोहन यादव को आगे लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए रोका जाए, जो कि न्याय हित में होगा। तो इस तरह से कांग्रेस ने सीएम मोहन यादव की चुनाव आयोग से शिकायत की है। थैंक यू।